पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू. माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूअर पोलिटिकल साइंस टीचर. वी आर स्टडिंग आवर चैप्टर 7 फेडरलिज्म. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इससे पहले क्या हमने फेडरल सिस्टम होता क्या उसके बारे में, उसकी मेरिट्स के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में पढ़ा. अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल फीचर्स को कितना अपनाया गया, कितना नहीं अपनाया गया, या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर फेडरल सिस्टम है या नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल फीचर्स कौन कौन से आपको देखने को मिलती है. तो फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर. तो आपने फेडरल फीचर्स पढ़ी थी तो उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स जो है यानी शक्तियों का जो बंटवारा है वो एक फेडरल फीचर है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी क्या है, पावर को डिवाइड किया गया. आपको पहले पढ़ाया जा चुका है इंडिया के अंदर भी क्या पावर्स को तीन लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंट्रीज लिस्ट के अंदर क्या डिवाइड किया गया है, और उन सभी लिस्ट के अंदर अलग अलग क्या है सब्जेक्ट्स या आइटम्स डाले गए हैं. जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्या है से लेकर के अब तक ये लिस्ट क्या है सेपरेटली अलग अलग इनके आइटम्स और सब्जेक्ट दिए गए हैं. तो इन सब में अपना अलग अलग सभी का क्या है आइटम और सब्जेक्ट का एरियाज होता है. जैसे कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है जितने सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर पावर्स किसको होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है. स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट को होती है. कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर क्या है दोनों को होती है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के चलाती है. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होती है रेजुडिसी पावर्स होती है उनके ऊपर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो इस तरह से यहाँ पावर ऑफ डिवीजन है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है फेडरल सिस्टम. नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान. हमने क्या है फेडरल फीचर्स में पढ़ा था कि जहाँ भी फेडरल सिस्टम होगा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा रिटन में होगा. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है रिटन के अंदर है. यहाँ भी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 क्या आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 20 इसके चैप्टर्स हैं. तो इस तरह से क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है जिसमें हर बात को क्या है चाहे वो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग हो, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग हो, कैबिनेट के रिगार्डिंग हो, सब कुछ क्या है रिटन के अंदर है. नेक्स्ट है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कठोर संविधान. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है रिग्ड भी है, कठोर भी है, काफ़ी कठोर है. इसके अंदर क्या है कोई भी अमेंडमेंट है इतना आसान नहीं है. हम सिंपल अमेंडमेंट तो लेके आ सकते हैं, हमारी पार्लियामेंट लेके आ सकती है जिसको क्या है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा या स्पेसिफिक मेजोरिटी के द्वारा पास करती है. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी तरह का चेंज करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेजोरिटी के साथ साथ विशेष बहुमत यानी कि आपका 2/3 66 मेजोरिटी के साथ में हाफ यानी आधे राज्यों की परमिशन की जरूरत होती है गवर्नमेंट की, जो काफ़ी मुश्किल है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लाना काफ़ी रिग्ड है, कठोर है. तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिग्ड माना गया और ये भी क्या है एक फेडरल फीचर से मानी गई. नेक्स्ट है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जहाँ भी फेडरल सिस्टम होता है वहाँ सबसे ऊपर कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो इंडिया के ऊपर के अंदर भी क्या है सबसे ऊपर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन है. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के किसी लॉ के बारे में लिखा गया, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के बारे में लिखा गया, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में लिखा गया, सब कुछ किस में है रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वही सब कुछ है. तो यहाँ पर सुपरमेसी किसकी है कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है. उसके बाद सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी हमारी न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है. तो जहाँ भी जुडिशरी सिस्टम है वहाँ क्या है जो जुडिशियल पावर जिसको मिली गई है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के अंदर वो क्या होती है एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है. इसके अलावा वो क्या होती है कि उसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी आपस की कंट्रोवर्सी हो, किसी तरह का और विवाद हो तो उसको सुलझाने के लिए क्या है अपना अहम योगदान होता है. तो इसलिए उसको पावर्स ज़्यादा दी जाती है. तो इंडिया के अंदर भी जुडिशरी को ये पावर दी गई है. तो इसलिए कह सकते हैं इंडिया में भी क्या है जुडिशरी की सुपरमेसी के कारण फेडरल सिस्टम है. नेक्स्ट है बाया क्रिमिनल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय आपकी विधानपालिका या व्यवस्थापिका. तो फेडरल सिस्टम जहाँ भी होते हैं वहाँ क्या होते हैं बाया क्रिमिनल होते हैं यानी कि टू हाउसेज होते हैं, दो सदन होते हैं. तो इंडिया में भी क्या है टू हाउसेज हैं, एक हाउस आपका लोकसभा, सेकेंड हाउसेज आपका राज्यसभा. तो जहाँ पर भी क्या है फेडरल सिस्टम है वहाँ पर टू हाउसेस काम करते हैं. एक हाउसेस होता है जो क्या है कॉमन्स मतलब पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है और जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव होता है. और सेकंड हाउस होता है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है. जैसे इंडिया में भी ऐसा ही है, लोकसभा है वो डायरेक्टली क्या है इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसके द्वारा पब्लिक के द्वारा पूरे इंडिया से. और राज्यसभा में क्या है
राज्यसभा के अंदर क्या है, जो हमारे इलेक्टेड एमएलए होते हैं, स्टेट के एमएलए, वो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं, यानी कि वो किनका रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, स्टेट्स का कर रहे हैं। यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं, यूएसए के अंदर भी क्या है, यही सिस्टम है, वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो जनता के द्वारा क्या है, चुने हुए हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो हमारे राज्यसभा की है, उसमें वहाँ हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं इलेक्ट होकर के, 2 मेंबर, पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करती, बल्कि पब्लिक के द्वारा इलेक्ट की गई जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो उनको इलेक्ट करके भेजती है। लेकिन इंडिया के अंदर वो स्टेट वाइज अलग अलग है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उस हिसाब से कम या ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि इंडिया में बाय कैमरल लेजिस्लेचर, यानी द्विसदनीय विधान पालिका है, ये भी एक फेडरल सिस्टम की क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, इसलिए इंडिया के अंदर जो सिस्टम है उसको फेडरल सिस्टम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूल पोलाइट सिस्टम, यानी दोहरी शासन प्रणाली। तो ये फेडरल सिस्टम की एक विशेषता भी है, आपको डेफिनेशन भी बताया था कि फेडरल सिस्टम उसी को बोलते हैं, या फेडरलिज्म वही है जहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट्स गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर भी इसी तरह की क्या है, 2 पॉलिटी सिस्टम है, यानी दोहरी शासन व्यवस्था है, एक किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स का है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट आती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इसी तरह हमारा गवर्नर है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी क्या कैबिनेट आती है। तो इस तरह से ड्यूल पोलाइट पॉलिटी सिस्टम है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स थे, इनको नीचे डिटेल में लिखा गया है, आप इसके अकॉर्डिंग क्या है अपने नोट्स भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू।